हेलो ए मंदवार, हम यहाँ से गुजर रहे थे और आकाश ने मेरे को कहा कि गाड़ी गंदी हो रही है, चल इसको नहलाते हैं। तो आकाश भाई, क्या लगता है यहाँ पे गाड़ी जा सकती है क्या अपनी अंदर? इसमें ट्रैक्टर आके धोते हैं भाई। हाँ यार, मेरे को तो नहीं लगता गाड़ी हो पे, क्योंकि यार ये कीच वैसी मिट्टी है इसकी, चिकनी। ट्राई करें क्या है? ट्राई करें, कितनी पीछे तक जा सकते हैं अपनी गाड़ी? मैं तो मना करूंगा कि रहने दे, खामा खाएं कि यार और दिक्कत हो जाए। तू चला फिर इसको। मैं चला, ज्यादा ड्राइवर है, बढ़िया। आज किया सेल्टोस को पहली बार आकाश को दे देते हैं चलाने के लिए। यहाँ पे अभी मैं ना आज आपको 4x2 और 4x4 का डिफरेंस दिखाऊंगा भाई, मतलब 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव के अंदर क्रेज क्यों है। अरे तो इधर से आ जाएगी ना, इतनी चौड़ी गाड़ी कहाँ है ये। आज मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जैसे ऑल व्हील ड्राइव XUV700 में कितनी ज़्यादा उसकी वो हाइप बनी है, तो उसके पीछे लोग क्यों बावड़े रहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव है, देखो तीन तरीके के अपने ऑप्शंस आते हैं। ये पहला फ्रंट व्हील ड्राइव, फिर रियर व्हील ड्राइव, उसके बाद अपना ये ऑल व्हील ड्राइव और 4x4, चार हो गए भाई ये। तो क्या सीन है ना, अपनी ये ज़्यादातर जो ये मोनोकोक चेसी भी बनी हुई गाड़ी होती है ना, ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही होती हैं। अभी जैसे स्कॉर्पियो, इनोवा, ये फॉर्च्यूनर और जो भी अपनी ये बड़ी बड़ी सी गाड़ी है ना, ये रियर व्हील ड्राइव होती हैं। रियर व्हील ड्राइव मतलब उनके जो पिछले दो पहिए हैं ना, उनमें जान रहती है। अभी फ्रंट व्हील ड्राइव जो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव होती है, इनके अगले दोनों पहियों में जान होती है। लिया तो सही चला लेता है, अभी इसके अगले दो पहिए जान लगाते हैं, पिछले तो बस उनके दम पे खींचते हैं, इनका अपना कुछ नहीं है, बस ब्रेक लगाने काम आते हैं। और लिया पीछे, अभी पहले मैं आपको अपनी सेल्टोस से करके दिखा रहा हूँ ये वाली चीज़ ना। लिया लिया यार, लिया 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 और लिया। अभी बस 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 सुन, बस 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 देखो, इस सीन में अपने को क्या करना है ना, कि अपने जो पहिए जान लगाते हैं ना अगले, उनको अपना उस पर रखना है सेफ जगह पे, जो ट्रैक्शन बना रहे। अभी यहीं पे थोड़ी देर में आपको स्कॉर्पियो ला के दिखाऊंगा, उसको अंदर तक घुसा देंगे हम। चल ले और पीछे, और ले और ले और ले, क्योंकि वहाँ अगर ये कीचड़ में आ गए ना, अगर ये पहिए अगर जाम हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। चल अब निकाल ले तू। हाँ अब यहीं पे अगर ये मान लो 4x4 होती ना, तो अगले भी जान लगाते, पिछले भी जान लगाते और हम इसको अंदर तक भी लेके जा सकते थे। जैसे आपको मैंने एक बार थार 4x4 दिखाई थी, ये तो ऐसा नॉर्मल लग रहा होगा ना, जैसे गाड़ी ऐसे नॉर्मल कीचड़ में रोड होते हैं उनमें घुस रही हो। हाँ। है ना, कुछ हाँ। लग ही नहीं रहा होगा। चलो छोड़ो भाई, अभी हम मेन लाते स्कॉर्पियो 4x4 को। अच्छा वैसे तेरी ये जो खूबसूरती, इसका राज माम अर्थ है क्या? अब भाई ऐसी हरकतें जो हम करते हैं ना गाड़ियों की टेस्टिंग, इसमें ना केवल गाड़ी बल्कि अपनी स्किन भी गंदी हो जाती है, धूल मिट्टी और ऊपर से फिर धूप। तो घर आके फिर हम यूज़ करते हैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स एज आर डेली रूटीन, जो कि नेचुरली इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। हम फॉलो करते हैं 2-स्टेप स्किन केयर रूटीन। अभी वो 2-स्टेप स्किन केयर रूटीन में है सबसे पहले फोमिंग फेस वॉश, इसमें बिल्ट इन सिलिकॉन ब्रश, जैसा कि आकाश को आप यहाँ पे इसको यूज करते हुए देख सकते हैं कि ये किस तरीके से स्किन को डीप क्लींसिंग करने में हेल्प करता है। ऑल थैंक्स टू गुडनेस ऑफ विटामिन सी और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प गेट रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन। इस फोमिंग फेस वॉश में 250 पंप्स और ये 90 दिन तक आराम से चलता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में है बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम। अब भाई इस क्रीम के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि इट रिड्यूसेस ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन। इसमें है नॉन ग्रीसी फॉर्मूला और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। इतना ही नहीं, मामाअर्थ को जो खास बनाता है ना, वो है इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट उनसे खरीदते हैं, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री डेट दे प्लांट। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। दूसरा है मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, दे नाउ रिसाइकल ओवर 240 मेट्रिक टन प्लास्टिक एवरी मंथ। दोनों प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे आकाश चमकने लग गया है। तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आप अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट और मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से भी खरीद सकते हैं। और इतना ही नहीं भाई, अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट या ऐप पे कूपन कोड यूज करते हैं अरुण पवार 2021, तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। ये होता है 4x4 का कमाल, ये देखो, ये ऐसी थोड़ी सी इसमें ना बहुत जल्दी वो फंस जाती हैं गाड़ियाँ। तो इसमें क्या, आगे के भी घूमते हैं, पीछे के भी घूमते हैं, अगर पिछले फंस गए तो अगले जान लगाते हैं, अगले फंस गए तो पिछले जान लगाते हैं। जैसे हम लद्दाख ले गए थे, वहाँ कंपास आगे के दोनों टायर फंस गए थे, तो पिछले जान लगा के निकाल सकते थे, लेकिन फिर अपने को हेल्प लेनी पड़ गई। देखते हैं स्कॉर्पियो कितनी कैपेबल है। ये पूरा ओशियन है पीछे। फंस गई क्या? पीछे नहीं जा रही। अभी भाई देखो,
अभी अगर कोई भी नॉर्मल स्कॉर्पियो होती तो अभी फंस गई है, अब ये नहीं होती इसका कुछ भी। लेकिन अभी जब इसको भाई 4x4 में डालेंगे, आगे करके देख लो, अब ये 4x2 में लगी हुई है, जा रही है आगे तो निकल जाएगी, आगे तो निकल गई। और पीछे ले लो, पीछे भी नहीं जा रही। ये ओशियन किसी को बढ़नी नहीं अपने अंदर यार। तो यार इतना भारी इंजन है ना, तो निकाल ही देता है यार, बताओ। 4x4 में तो आराम से निकल ही जाएगी, तो 4x2 में ही निकल रही है तो निकल गई। नहीं निकल रही, कैसे बंद हो रही है भाई। अभी कौन से पे है? 4 हाई पे। 4 हाई पे है, अभी देखना कट जैसी निकल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो दिस इज स्कॉर्पियो, हाँ 4x2 पे ही तो चलने दो। हाँ जान तो दो, नवा दो इसको आज। हाँ अभी तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसमें नीचे पत्थर है इसलिए ट्रैक्शन बन रहे हैं, 4x2 पे ही चल रही है। अरे वाह भाई, वैसे इसमें मैं बताऊँ नॉर्मली ट्रैक्टर आके नहाते हैं, सेल्टोस से तो नहीं हो पाएगा यार। यार ध्रुव भाई जब गाड़ी गंदी हो जाए करे तो यहीं आ जाए करो, नहलाने इसको देखना यार इतनी स्मूथली है। और आगे लो। हाँ ले लो, गहरा तो नहीं आगे ना ना अभी आगे। अरे ना ना भैंस तैरती है यार इसमें भाई। बस 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 यार देखना 4x4 का कमाल, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो यार काफी। नंबर प्लेट तक मिल जाएगी इसकी, यहाँ बस जाती है बस, ये होकर है ना। हाँ फोर बाय फोर लगते ही फिर तो मस्त है। हाँ मस्त महक हो गई कीचड़ की बाहर से भी, मजा आ गया। तो ये है भाई 4x4 का अपना आनंद। अब इसको 2H में कर लो नॉर्मल। और ये तो लो में तो लगा ही नहीं था ना, लो में लो में तो जब है जब बिल्कुल आपसे निकल ही नहीं रही गाड़ी, लो में लगा दो फिर गाड़ी अपने आप निकलेगी। चलो भाई ये थी वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।